हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। सेट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके पैरेलल परम्यूटेशन चैप्टर चल रहा है आपका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7th। तो आपकी जब गैप पे आपको ये वीडियोस मिलेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो अगर आपको इकट्ठी देखनी है, जैसे सेट चैप्टर की आपको इकट्ठी वीडियो चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इसके लिए आपको डेफिनेशन देखिए, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? बाय नेम ही पता चल रहा है, पेयर मींस हम दो एलिमेंट को इकट्ठा लेके चलेंगे, एक पेयर बनाएंगे। ऑर्डर मींस उन एलिमेंट्स को आपको एक ऑर्डर में मेंटेन करना है, ठीक है? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर is a pair of elements taken in specific order। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स का पेयर उठा के चलेंगे जिनका ऑर्डर स्पेसिफिक यानी स्पेशल होगा। जैसे कि दो एलिमेंट हमने उठाए, जैसे ही आप ऑर्डर पेयर बनाते हो, उसको हम एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड स्मॉल ब्रैकेट में अनक्लोज कर देंगे। ठीक है, ये बन गया आपके पास ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर दिस इज ए बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 CF, इस तरह से। तो ये सारे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम दो पेयर ले लेते हैं ए बी एंड सी डी, दो पेयर इक्वल कब होते हैं? ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से, यानी ए इज इक्वल टू सी एंड सेकेंड वन इज बी इक्वल टू डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू सी आ जाए और बी इक्वल टू डी आ जाए। अगर हम लेते हैं 1 2 और 2 1, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? जी नहीं। 1 इस फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वही इसके फर्स्ट प्लेस पे नंबर के इक्वल होना चाहिए, देयर फॉर 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी बी के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए इक्वल टू बी लेके चलेंगे, देन अगर हमारे पास कंडीशन है ए इक्वल टू बी, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए पॉसिबल है। समझ गए? तो इस तरह छोटे छोटे चीज़ें इसमें याद ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका यूज़ होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ होगा रिलेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे, दो सेट के बीच में होगी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए हमने, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करेंगे इसको? डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। और इसके एलिमेंट कैसे लेके चलेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस टाइप के होंगे? क्योंकि हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, और ए एलिमेंट होगा ए का एंड बी एलिमेंट होगा सेट बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इस तरह से। तो अपने पास क्या क्या बना? कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस टाइप के नंबर आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो हम ये लिख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर हम ए से बी तक के सारे ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो उनका सेट ले लेंगे, वो बन जाएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं 1 2, बी सेट हमने लिया ए बी। ओके, इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। ऑर्डर्ड पेयर जब भी बनाते हैं हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से आएंगे? 1 a, एक एलिमेंट हमने ए का उठाना है, सेकंड एलिमेंट हमारा बी का होना चाहिए। ओके, ये स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया, जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि हम ऑर्डर लेते हैं, एक दो एलिमेंट्स का एक सेट बना, सॉरी ऑर्डर लेते इस तरह से लेते हैं कि एक ऑर्डर मेंटेन कर सके। ठीक है, 1 a सेकंड बना सकते हो आप ऑर्डर पेयर, 1 b, एक फर्स्ट एलिमेंट होगा ए का, सेकेंड एलिमेंट होगा बी का, थर्ड इज 2 a के साथ ले सकते हैं और 2 b के साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए एंड सेट बी के। अगर आपको निकालनी है ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, तो आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो हम इसको कंप्लीट लिख देंगे, ये हमारे पास इसके एलिमेंट आ जाएंगे 1 b 2 a 2 b, ये आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सेट बी। ठीक है, जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ए क्रॉस बी, अगर हम निकालें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए क्रॉस बी हमने लिखा कि ए बी टाइप का होगा, जहाँ पे पहला नंबर जो है फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास सेट ए है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर होगा वो सेट ए का ही होगा। ठीक है, सेकंड प्लेस पे आप बी लेके चल रहे हो, यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे नंबर होगा वो हमारा बी का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बी क्रॉस ए लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम निकालें बी क्रॉस ए, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? फर्स्ट सेट इज बी, देन नंबर भी आपका बी का ही होना चाहिए, बी का एलिमेंट, और सेकंड प्लेस में जो आपके पास है ए, डन दिस, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आप करते हो तो इसमें नंबर इस टाइप के आएंगे। अब यहाँ से अगर हम निकालें, अच्छा ए सेट हमने क्या लिया था? ए सेट था हमारा 1 2, और बी सेट था ए और बी। ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया, अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे बी का, तो ए का ए के साथ इसके ऑर्डर पेयर बनाइए, ए 1 ए के 1 के साथ, फिर ए का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, ए 2। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, बी क्रॉस ए कर रहे हो तो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट बी के ही आने चाहिए। ओके, सेकेंड प्लेस पे ए के एलिमेंट, बी 1 के साथ पेयर बना सकता है और बी 2 के साथ बना सकता है। ओके, अभी हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर में कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट इसका है 1 a और इसका है a1, क्या 1 a दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू a1 के? क्या इक्वल होता है? नहीं होता है, 1 a नॉट इक्वल टू a1, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन कोई भी एलिमेंट इसका इक्वल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि a क्रॉस b Not equal to B cross A, ठीक है, A cross B, B cross A के इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको? चलिए नंबर ऑफ A, कार्डिनल नंबर देखिए इसमें, A cross B में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताओगे आप? हमने A सेट अज्यूम कर रखा है 1 2, B कर रखा है A B, ठीक है, N of A क्या है यहाँ पे? N of A यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 2, दो एलिमेंट है, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी में भी दो एलिमेंट है, ए और बी। ठीक है, अगर आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, यानी कि मल्टीप्लाई,
जो मल्टीप्लाई हम लेते हैं, तो एन ऑफ ए की मल्टीप्लाई एन ऑफ बी से कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में इतने नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से निकालते हैं तो ए क्रॉस बी एन ऑफ ए दो, एन ऑफ बी इज ऑल्सो टू, टू इंटू टू इज फोर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी इज फोर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास चार एलिमेंट आ गए। अब आप ये देख भी सकते हैं ए क्रॉस बी हमने निकाला 1, 2, 3, 4। जो ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं बाय डेफिनेशन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे ही नहीं कह सकते कि ए बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, गलत हो जाएगा। ओके, ए क्रॉस बी में एलिमेंट ही ऑर्डर पेयर में आते हैं, तो यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें, अगर हम नंबर निकालते हैं बी क्रॉस ए, इसका फॉर्मूला भी यही बनेगा एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी इज टू इंटू टू इज फोर, तो बी क्रॉस ए के एलिमेंट भी कितने आए, चार। अब देखिए बी क्रॉस ए 1, 2, 3, 4, फोर एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। दैट मीन्स एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए, अच्छे से समझना है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ बी क्रॉस ए के, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो सकते हैं। इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए इसके बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी आपके से। इफ़ एक्स बाई 3 प्लस 1 वाई माइनस 2 बाई 3, दिस इज एन ऑर्डर पेयर, दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल दे रखा है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अभी हमने रिजल्ट किया था ए बी इक्वल टू सी डी, कब पॉसिबल है, इफ़ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी आ जाएंगे। फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट इज सेकेंड के इक्वल, तो यही चीज़ हम कर देंगे। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है देन एक्स बाय 3 प्लस 1, ये एक एलिमेंट है कम्प्लीट, दिस इज ये बीच में कॉमा, देन दिस इज सेकेंड एलिमेंट, कॉमा जो है सेपरेट करता है बोथ एलिमेंट्स को। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट 5 बाय 3, एंड वाई माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स बाय 3 इक्वल टू 5 बाय 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे यहाँ से, दिस इज 2 बाय 3, 5 माइनस 3 इज 2 बाय 3, डन। एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 2, 3 की वैल्यू निकालिए, वाई इज इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस प्लस, इधर आएगा राइट हैंड साइड पर 2 बाय 3, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 2 इज 3 कैंसिल 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखना, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। यहाँ पे A के आपको एलिमेंट नहीं दिए बट n ऑफ A दे दिया, n ऑफ A मतलब A में 3 एलिमेंट है, ओके। हमें ए क्रॉस बी में जब एलिमेंट बताने तो हमें एन ऑफ ए ही चाहिए। एन ऑफ बी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 1, 2, 3, इसमें भी 3 नंबर है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। एन ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी के। एन ऑफ ए क्या गिवन है, 3, एन ऑफ बी इज ऑल्सो 3, 3, 3 इज 9, तो एन ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड, इफ जी इक्वल टू 7, 8, एच इक्वल टू 5, 4, 2 सेट दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी, जी क्रॉस एच निकालिए। हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, पहला एलिमेंट जी का होना चाहिए, सेकंड एच का होना चाहिए। ऑर्डर पेयर बनाइए, फर्स्ट एलिमेंट हम 7 उठा लेते हैं, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ,
सेवन का टू के साथ फर्स्ट जी का हमने एलिमेंट उठाया और सबके साथ इसका पेयर बना दिया. ओके डन. एट जी का एलिमेंट उठा लेते हैं. एट सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए. एट फाइव एट फोर एंड एट टू. दिस इज द जी क्रॉस एच. अगर आपको देखना है कि आपका सही है कि नहीं क्वेश्चन तो आप इसके एलिमेंट निकाल लीजिए यानी नंबर ऑफ जी क्रॉस एच निकाल के देख लीजिए. नंबर ऑफ जी इंटू नंबर ऑफ एच. जी में कितने एलिमेंट हैं? दो. एच में तीन. टू थ्री जो सिक्स. ओके तो इसके छः एलिमेंट आने चाहिए. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट एच क्रॉस जी. एच क्रॉस जी लेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा एच का होना चाहिए. ठीक है फर्स्ट प्लेस पे नंबर एच का होना चाहिए. तो हम फाइव ले लेते हैं और फाइव का ऑर्डर पेयर बनाते हैं जी वाले एलिमेंट के साथ. फाइव सेवन फाइव एट. नेक्स्ट टाइम इज फोर सेवन फोर एट. देन टू सेवन टू सेवन टू एट. ये आपके पास हो गया एच क्रॉस जी. क्वेश्चन नंबर फोर स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. ये आपके पास थ्री स्टेटमेंट गिवन है. आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है. फर्स्ट इज इफ पी इज इक्वल टू एम एन क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ एन एम. पी में एलिमेंट है एम एन क्यू में है एन एम. देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एम एन एन एम. यानी कि पी क्रॉस क्यू में सिर्फ दो एलिमेंट दे रखे हैं. तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए फर्स्ट का आंसर. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. हमारे पास पी गिवन है सेट एम एन. ठीक है क्यू सेट गिवन है एन और एम. यहाँ से पी क्रॉस क्यू निकाल लीजिए. पी क्रॉस क्यू ये चेक करना है हमें. दिस इज द फर्स्ट नंबर इज पी सेट से उठाएंगे. एम का ऑर्डर पेयर बनाएंगे क्यू के बोथ एलिमेंट्स के साथ. एम और एम और एम एम एन एम और एम. ठीक है सेम टू सेम एन सेकेंड. इसका जो आपके पास सेकेंड नंबर है एन फर्स्ट प्लेस पे हमें एन लेना है. इसका भी फर्स्ट जो सेकेंड प्लेस पे क्यू का आएगा ये भी एन है. दिस इज एन एन. ये आ गया पी क्यू. इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ रही है. बट ये कह रहा है कि इसके अंदर तो दो एलिमेंट है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है. ठीक है सेकंड देखिए. सेकंड स्टेटमेंट इफ इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग्स टू बी. ए एंड बी अगर ए क्रॉस बी हमारा फाई आ जाता है. ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई कब आती है? या तो ए फाई हो या फिर बी एलिम बी सेट फाई हो. या तो सेट ए फाई नल सेट या बी नल सेट या फिर ए एंड बी बोथ नल सेट हो. नल सेट. ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. एग्जांपल ले लेते हैं कोई. लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू सी डी. ए बी हमारा नॉन एम्प्टी हो गया एंड बी भी नॉन एम्प्टी. अब आपको देखना है कि क्या ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा ताकि हम इसको ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं. ठीक है तो ए क्रॉस बी निकालिए. ए क्रॉस बी निकालेंगे. ए सी ए डी देन नेक्स्ट इज बी सी बी डी. ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी. अब यहाँ से दिख रहा है कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी नॉट इक्वल टू फाइव. और कहता है कि इसके जो ऑर्डर एलिमेंट होंगे वो एक्स वाई टाइप के होंगे जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा सेट बी से. चलिए देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर का आप चेक कर लीजिए. फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी. दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपके पास
ट्रू गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4, देन इसको रफ कर देते हैं। आपको बताना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, आंसर हमारा 5 आएगा। सॉल्व करके देखते हैं, बी सबसे पहले आप निकालो बी इंटरसेक्शन 5, बी सेट दे रखा है 3, 4, इसकी इंटरसेक्शन करते हैं नल सेट के साथ, क्या आएगा? इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, इसमें कोई नंबर ही नहीं है, देन ये आपके पास आ जाएगा नल सेट, इसको आप 5 भी लिख सकते हो, ओके। फिर आपको करना है ए की कार्टिजन प्रोडक्ट करनी है बी इंटरसेक्शन 5 इस सेट के साथ। ए की वैल्यू रखिए 1, 2, कार्टिजन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन 5, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 5, यानी कि नल सेट। अब इसके साथ हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर कहाँ से बनाएंगे, इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं, इसलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी हमने रिजल्ट लिखा था यहाँ पे, ए क्रॉस बी, यानी दो सेट की कार्टिजन प्रोडक्ट 5 कब आती है, या तो सेट ए 5 हो, या सेट दिस इज इक्वल टू 5 हो, या बोथ नल सेट हो। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया, तो ऑब्वियसली दोनों की कार्टिजन प्रोडक्ट 5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू -1, 1, फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने दो सेट की कार्टिजन प्रोडक्ट की थी ए क्रॉस बी, इसमें हम लेकर चले थे कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए बी के, ठीक है। यहाँ पे दो एलिमेंट का पेयर बनाया था हमने, यहाँ पे 3 सेट है, तो हम 3 का, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट ए बी सी, इस टाइप से नंबर आएंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी में। ए बिलोंग्स टू ए, सेकेंड बी बिलोंग्स टू बी, थर्ड आपके पास सी के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट हो रखी है, तो थर्ड एलिमेंट बिलोंग करेगा सी के साथ, ठीक है। ए फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकेंड बी का, और थर्ड सी का, ये होती है। चलिए अब आपको आपके पास दे रखा है सेट ए इक्वल टू -1 और 1, और आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, यानी कि इसी के एलिमेंट्स की ट्रिपलेट बनाना है आपको, ओके। ए एलिमेंट ए सेट -1 और 1 इसी के सेट के साथ बनाना है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं कि तीनों सेट्स का हम 1, 1 उठा लें, क्योंकि ए के साथ ही बनाना है, तो -1, 1, फिर से दूसरा सेट भी यही दे रखा है, और थर्ड सेट भी यही दे रखा है, ओके। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं 1, 1 और 1 के तीनों एलिमेंट इकट्ठा ले लिए हमने, देन 1, 1, -1, 1, 1, -1 और 1। देखिए पहले हमने 1, 1 लिया, फिर 1, 1 यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर 1, -1 को इधर ले आए, दिस इज नेक्स्ट इज -1 को फर्स्ट प्लेस पे ले आओ, -1, 1, 1, ठीक है। देन अब तक हमारे पास 2, 1 चल रहे थे, 1, -1 चल रहा था, 2, 1, 1, -1। अब हम क्या करेंगे, -1, -1, 1, थर्ड प्लेस पे 1 रखा हमने, अब हम इसको मिड में ले आते हैं, -1, 1, -1, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, और -1 दोनों पीछे हो जाएंगे, -1 सेकेंड और थर्ड प्लेस पे, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा -1, -1, -1। अब इसमें कोई नंबर स्किप तो नहीं हो गया, चेक करते हैं। चलिए एन ऑफ ए कितना हो गया भाई, 2 नंबर हैं, एन ऑफ ए इज 2। अगर हम निकालें एन ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए, दिस इज सॉरी सेट नहीं, एन ऑफ ए क्रॉस ए, इसका मतलब एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ ए, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ऑफ ए इज 2, 2 × 2, दिस इज 1 नंबर, ठीक है। अब ये काउंट करके देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा एक कंप्लीट सेट सही है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई सेट सेम ना बन जाए, यहाँ पे 1, 1, 1 लिया जैसे हमने, कहीं ये सेट किसी, कोई भी ऑर्डर पेयर किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। आपको बताना है कि ए और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी दे रखा है, दैट मीन्स फर्स्ट जो प्लेस पे एलिमेंट होगा,
फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा सेट ए से। तो ए फर्स्ट प्लेस पे ए एलिमेंट है, इसमें भी ए एलिमेंट है तो हम एक ही बार लेंगे। इसमें दोनों प्लेस जो आउटर पेयर में बी एलिमेंट है तो इसका मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो हम ए सेट बना सकते हैं कि सेट ए में एलिमेंट आएंगे ए बी, ठीक है। और जो सेकंड प्लेस पे आते हैं वो होते हैं सेकंड वाले सेट के एलिमेंट, दैट एक्स वाई दैट मीन्स एक्स और वाई किसके नंबर है, बी सेट के नंबर है, इम्प्लाइज दैट बी सेट आ जाएगा एक्स और वाई। सेवन्थ, लेट ए सेट दे रखा है बी सी एंड डी, चार सेट आपके पास गिवन है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ अगर करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए। इसको ओपन करेंगे तो वैसे ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको वेरीफाई करोगे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी सेट और सी सेट के इंटरसेक्शन कीजिए, 1 2 3 4 और बी और सी में दे रखा है 5 6, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 5, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं और बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 है तो ए क्रॉस 5 दिस इज इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 5। राइट हैंड साइड देखते हैं, ए क्रॉस बी, पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए की बी के साथ क्रॉस करते हैं, तो पहले हम ए के एलिमेंट उठाएंगे फिर हम बी के, तो 1 को सबके साथ पेयर बनाइए, 1 का पेयर 1 के साथ, 1 2 1 3 1 4, देन 2 का सारे एलिमेंट्स के साथ लेके चलेंगे, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। सेम टू सेम हम निकालेंगे ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी अगर करते हैं तो 1 5 6 के साथ, 1 5 1 6, देन 2 का पेयर 5 और 6 के साथ बनाएंगे, 2 5 2 6, ठीक है। आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए क्या इनमें कोई ऑर्डर पेयर सेम है, 1 1 1 2 1 के साथ कोई भी सेम नहीं है, 1 5 1 6 है, एंड 2 के साथ 1 2 3 4 तक बन रखा है और इसमें 5 6, तो कोई भी नंबर जो आपके पास कॉमन नहीं आ रहा तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास वेरीफाई हो गया। सेकंड कहता है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी अगर करते हैं तो बी क्रॉस डी का सबसेट हो गया, यानी इसके सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में मिलेंगे। तो इसको निकाल के देखिए, रफी कर लेते हैं इसको। सेकेंड इज ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ से ए और सी की क्रॉस प्रोडक्ट 1 5 1 6 ए और सी के साथ, फिर करते हैं 2 5 2 5 2 6, देन आपको फाइंड आउट करना है बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी दिस सेट इज बी, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 1 का पेयर जो आपके पास होल्डर पेयर चारों एलिमेंट साथ बनाएंगे, 1 5 1 6 1 7 1 8, देन 2 एलिमेंट उठाते हैं 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर हम 3 उठाएंगे 3 5 के साथ, 3 6 3 7 3 8, लास्ट इज 4 5 4 6 4 7 एंड लास्ट 4 8, ये आपके पास आ गई बी क्रॉस डी। अब देखिए क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हैं, 1 5 इज अ 1 5, ये रहा 1 6 और एंड 2 5 2 5 कहाँ पे है, ये है, और 2 6, यस। तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इन बी क्रॉस डी, दैट मीन्स ए क्रॉस सी ये सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का, और ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे इस तरह से वेरीफाई करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8, सेट ए सेट बी गिवन है, राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है इसकी,
ए क्रॉस बी, ए और बी के ऑर्डर पेयर 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, यहाँ पे इसने एलिमेंट नहीं पूछा है, सबसेट पूछा है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ए ले लेते हैं 1, 2, 3, और आप फाइंड आउट करते थे सेट चैप्टर में पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हम ये निकालें कि एन ऑफ पी ऑफ ए कि पावर सेट ऑफ में कितने आपके पास नंबर आएंगे, यानी कि ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो ये आपके पास क्या आता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको 2 की पावर में कर देते हैं। 3 एलिमेंट है, 2 रेज़ टू पावर यानी 8 एलिमेंट। सेम टू सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालिए पहले, किस कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, एन ऑफ ए में 2 नंबर एंड बी में भी, तो 2 × 2 = 4, ए क्रॉस बी में 4 नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है, 1, 2, 3, 4। फिर आपको निकालना है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी 2 रेज़ टू पावर 4। यही फॉर्मूला लगाना है सबसेट्स का। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी में, तो 2 की पावर में चला जाएगा, तो इसमें कितने आएंगे, 16 आएंगे। और इन सबको आपको लिख के बताना है कि इसके सेट्स कौन कौन से, सबसेट जो मतलब कि क्या निकालना है आपको, सिंपली पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का पावर सेट निकालना है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। तो इसके सबसेट्स देखिए कैसे निकालोगे, इसको हम ए मान लेते हैं, बी सी और इसको हम डी ले लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सिंपली ले लो, ए अज्यूम किया आपने 1, 3, बी अज्यूम किया है 1, 4, सी 2, 3 और डी को ले लिया 2, 4। इस तरह से आप पजल नहीं होंगे क्वेश्चन में, अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत है इसके अंदर। ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो यहाँ से हमारे पास ए क्रॉस बी यानी ये सेट बन गया ए बी सी और डी। अगर हम इस सेट के सबसेट्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हो, फर्स्ट इज 5 सबसेट होता है हर एक सेट का, सेकंड एक एक एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे बी देन सी डी, फिर हम दो दो के पेयर उठाते हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, डी ए लिखो चाहे ए डी लिखो, देन ए सी ए का सी के साथ और बी का डी के साथ बी डी, ठीक है। और फिर ले लेते हैं हम 3-3 के पेयर ए बी सी, नेक्स्ट इज बी सी डी बी सी डी ए सी डी ए, और एक बन सकता है ए सी डी, हो गया ए सी डी, ठीक है। और अगर हम देखें तो बी डी ए बी डी ए ये भी बनेगा बी डी ए, ए बी सी ले लिया हमने ए का सी डी के साथ, ठीक है, ए का बी डी के साथ ए बी डी हो गया, ये हो गया। देन सी अगर देखेंगे तो सी बी ए यानी ए बी सी हमारा हो चुका है, ठीक है, बी डी ए बी डी ए ये हो गया। नेक्स्ट इज इट सेल्फ होता है ए बी सी डी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी एक हमने सेम लिया है कोई भी, देखो बी सी डी
एक सेम कौन सा ले लिया भाई? ए सी डी, ए सी डी ये सेम हो गया, ये सेट सेम है, तो हम इसको एक बार काउंट करेंगे, देन ये बनेगा, ठीक है। सी डी ए लिखो चाहे ए सी डी लिखो, ये सेट सेम होता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आने चाहिए? 16 आने चाहिए। तो हम काउंट करके देख लेते हैं क्या हमारे 16 कंप्लीट हो गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो 16 के 16 हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए उठा उठा के, तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सेट नहीं बनाना ओनली सबसेट लिखने हैं, 5। ए बना सेट ए बनाया तो सेट ए की वैल्यू है 1, 3, तो ये आ जाएगा 1, 3, ठीक है। नेक्स्ट है सेट बी 1, 4, 1, 4 ऑर्डर्ड पेयर का सेट। नेक्स्ट है सी 2, 3, 2, 3 एंड डी इज 2, 4। नेक्स्ट आपके पास ए बी, सेट ए की वैल्यू है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1, 3 और बी की वैल्यू है 1, 4। देन नेक्स्ट इज बी सी, बी एंड सी 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3। इस तरह से सब में आप वैल्यूज पुट कर देते हो तो सारे सबसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। इन सब में ए बी सी जैसे ये बन रहे हैं, सब में सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि सारे सबसेट आ जाएंगे ए क्रॉस बी के। नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए 3 दे रखा है, एन ऑफ बी 2, यानी कि ए में एलिमेंट है 3 एंड बी में एलिमेंट है 2। इफ एक्स 1, वाई 2, जेड 1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट दे दिया आपके पास एक्स 1, वाई 2 एंड जेड 1, ठीक है। कंप्लीट नहीं दिए, देखिए टोटल कितने बनेंगे, फाइंड ए क्रॉस बी निकालना है, यानी इसमें कुछ एलिमेंट इसने छोड़ दिए, इसमें 3 नंबर दे, 3 एलिमेंट उठा दिए इसने क्रॉस बी के। कहता है बाकी बताओ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सॉरी फाइंड ए एंड बी, पहले तो सेट निकालिए ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। आपके पास गिवन है ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, दिस इज नंबर ऑफ ए इज 3 × 2, 6, यानी कि ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए। इसने दे रखे 1, 2, 3, क्वेश्चन में हमारे पास 3 एलिमेंट गिवन है और हमें 6 एलिमेंट यहाँ पे चाहिए, तो आपको सेट ए और बी बताना है। ए से पता चल जाएगा, देखिए जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग सेट ए फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे, तो सेट ए क्या बन जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। सेट बी देखेंगे तो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे सेट बी से, तो 1, 2, 1, 1 को हम एक ही बार काउंट करेंगे, 1, 2 बिलोंग कर रहा है सेट बी से, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, जब सेट बनाते हैं तो हम इसको एक ही बार लिखते हैं 1 एंड 2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये एलिमेंट हमारे सही हैं जो हमने सेट बनाए हैं, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देख लीजिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 6 आएगा क्योंकि इसने गिवन है कि इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो ए में आ गया एक एक्स वाई एंड जेड 3 एलिमेंट और एन ऑफ बी में 2 एलिमेंट है, इसका मतलब बी में 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो हमारे पास सेट आ जाएगा ए एंड दिस इज द सेट बी। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, यानी कि आपके पास गिवन है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज 9, अमंग विच आर फाउंड -1, 0, 0, 1, फाइंड द सेट ए। अब देख कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ए की ए के साथ ही कार्टिजन प्रोडक्ट कर रखी है और कहता है कि इसके 2 एलिमेंट ये हैं -1 और 0 एंड 0, 1, बाकी के नंबर इसने गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है कि ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट इसमें दे दिए, इसका मतलब 7 एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है, तो आप फाइंड द सेट ए, ए सेट निकालिए रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी और जो 7 एलिमेंट यहाँ पे बचे हुए हैं उनको लिखिए। चलिए सबसे पहले तो आप निकालिए कि ए में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, तो यहीं से पता चल जाएगा, देखिए -1 एंड 0 सेट ए से, -1 और 0 बिलोंग करेंगे सेट ए में, और क्योंकि ये भी सेट ए ही है 0 और 1, 0, 1 बिलोंग्स टू ए,
यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है माइनस वन जीरो सेम आ गया, तो माइनस वन जीरो एंड वन, माइनस वन जीरो और वन तीनों एलिमेंट सेट ए के हैं। इट मीन्स ए सेट में नंबर आ गए माइनस वन जीरो और वन। ये जो आपके पास गिवन है एन ऑफ ए क्रॉस बी नाइन आ रहा है, निकाल के देख लीजिए एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस ए है सॉरी, यहाँ पे बी नहीं है, ए के ए के साथ ही प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप फाइंड आउट करते हो तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए थ्री इंटू थ्री नाइन, इसका मतलब सेट हमारा सही है। अब बाकी के जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो निकालिए। माइनस वन का पेयर जीरो के साथ बना रखा है, माइनस वन जीरो का वन के साथ बना रखा है, तो सेट ए है आपके पास माइनस वन जीरो वन। दूसरा सेट भी आपके पास ये गिवन है, तो इनको लिख लिया कीजिए ताकि इसमें से कन्फ्यूजन ना हो। अब माइनस वन को उठाओ और सबके साथ पेयर बना दो, माइनस वन का माइनस वन के साथ, ये हमें गिवन नहीं है तो हम इसको लिख देंगे। माइनस वन का जीरो के साथ ऑर्डर पेयर गिवन है, माइनस वन का वन के साथ ये गिवन नहीं है, तो माइनस वन का पेयर आ जाएगा वन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज जीरो का माइनस वन के साथ पेयर, यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है, तो जीरो माइनस वन के साथ पेयर बनाएगा, फिर जीरो जीरो के साथ पेयर बनाएगा, जीरो जीरो एंड लास्ट इज जीरो वन। ये हमें पहले से मेंशन था जो कि हमें दो एलिमेंट गिवन थे, तो ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आती है वन की टर्म, वन माइनस वन वन जीरो एंड वन वन, ये आ गया आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कंप्लीट नाइन एलिमेंट। तो ये देखिए सम फार्मूलाज ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ओपन करते हैं तो ए क्रॉस बी, बीच ऑपरेशन जो गिवन है मिड में ये आ जाएगा, और ए क्रॉस सी दोनों के साथ कार्टेशियन, ए क्रॉस बी माइनस सी सेम टू सेम ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी। तो ये कुछ रिजल्ट थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट कवर हो गई है, एग्जाम्पल इसके इजी है तो आप खुद कवर कीजिए।